हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक विथ आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी सरकार पोर्टल में कैसे व्यक्तिगत लॉगिन कर सकते हैं। अपनी सरकार पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा पोर्टल है जिसकी मदद से आप घर बैठे 70 से भी अधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। सर्च बार में आप टाइप करेंगे ई सर्विस यूके। आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे चले जाना है। व्यक्तिगत लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर अपनी सरकार पोर्टल पे क्लिक करना है। इस पोर्टल में आप चार तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं, व्यक्तिगत लॉगिन, सीएससी लॉगिन, ईडीसी लॉगिन एंड विभाग लॉगिन। व्यक्तिगत लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली व्यक्तिगत लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे एंड साइनिंग हो जाएंगे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको साइन अप हियर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, देन यहाँ से आप सबमिट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। यहाँ से आपको लास्ट नेम डालना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप तहसील सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपकी आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा जिसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कैप्चा भर लेना है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आप यहीं से सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको रिक्वेस्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सर्विस टाइप सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप सर्विस का नेम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है सभी को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे एंड पेमेंट करेंगे, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अपनी सरकार पोर्टल में लगभग 15 दिनों के अंदर में आपका प्रमाण पत्र यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके द्वारा जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी प्रमाण पत्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप नंबर ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी प्रमाण पत्र आपका पेंडिंग में होगा उसका स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद यहां से आप विभाग से मांगा गया स्पष्टीकरण यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में।